चंडीगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की गुटबंदी सामने आई, जिसमें पार्षद और मेयर एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि संगम के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि महिला पार्षद ने माइक उतारकर मेयर को मारने की कोशिश की। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में दंगल, चुनावी मोड़ में नगर निगम, सबकी नजर मेयर की कुर्सी पर। एक बार फिर बीजेपी की गुटबंदी आई सामने। बीजेपी मेयर और कांग्रेस मेयर के बीच आर पार। चंडीगढ़ में मेयर पद की राजनीति अभी भी समाप्त होती नजर नहीं आ रही है, जबकि इस लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा है। इस बार का विवाद तो एक दूसरे को मारने तक उतर आया है, जिसमें महिला पार्षद फर्मिला ने मेयर राजेश कालिया पर माइक उतारकर मारने की कोशिश की। हालांकि पास खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। दरअसल रविवार के दिन डडू माजरा के बीच लोगों की समस्याएं सुनने को लेकर एक सभा रखी गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन भी पहुंचे। और जब टंडन अपनी स्पीच के बाद चले गए, तो वही मेयर के आने पर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की गई। तो उसी बीच पार्षद फर्मिला वहां से जाने लगी, तो मेयर ने उन्हें रोकना चाहा, जिसके बाद गुस्से में आई महिला पार्षद ने पहले तो खूब तूतू मैमे की, और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि पार्षद ने स्पीच के लिए लगा माइक उतार कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद अब मेयर राजेश कालिया पूरे मामले को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह था कि वहाँ कुछ दिन पहले वहाँ के लोग आए थे मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर। हाउसिंग बोर्ड की समस्याएं थी उन लोगों की, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, और दूसरा नगर निगम की भी समस्याएं थी, जैसे सीवरेज लाइन नहीं है, वहाँ टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। तो उनका ये कहना था कि हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है वो बिल्कुल भी नहीं आती हमारे पास, दो साल से एक बार भी वो वहाँ नहीं गई है। चलो इस विषय को ध्यान में लाने के लिए मैंने पार्टी कार्यालय उन लोगों को भेज दिया कि हाउसिंग बोर्ड का मामला तो हमारे बीच में कौशिक जी हैं, वो हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर हैं, भी वो चर्चा कर लेंगे। उन्होंने संजय जी से मिलवाया, मिलवाने के बावजूद तय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष आपकी कॉलोनी में आएंगे। उसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर लिया। मंडल अध्यक्ष ने हमारे ने प्रोग्राम तय किया। मंडल अध्यक्ष ने प्रोग्राम तय करने के बावजूद फिर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जी पहुँचे, मैं भी पहुँचा, जिला अध्यक्ष रविकांत शर्मा जी पहुँचे, कौशिक जी भी पहुँचे। मैं थोड़ा आधा घंटा लेट पहुँचा हूँ। जब मैं पहुँचा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, और भाषण देने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि जो आप लोगों के झुग्गियों का काम है वो कौशिक जी देखेंगे, और नगर निगम का काम एरिया काउंसलर और आपका मेयर देखेंगे। तब जैसे ही मैं वहाँ पर माइक पर बोलना उन लोगों की समस्या सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए उठा, तो वहाँ से तुरंत ही मैडम फर्मिला जाने के लिए चलने लगी, तो लोगों ने हुल्लड़बाजी की कि मैडम हमारी बात सुने। उस दौरान मैंने भी कहीं ना कहीं मैडम को रोक लिया कि मैडम एक बात, इन लोगों की समस्याएँ सुन लें, हमने निवारण करना है, इन लोगों के साथ एक विजिट कर लेते हैं अफसरों के। तो वो मेरे से तू तड़ा करके बात करने लगी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, कहने वाले विजिट करनी है नहीं करनी है। तो मैंने उसको कहा मैं शहर का मेयर हूँ और मेरी जिम्मेवारी हर एक आदमी के लिए बनती है। सही मायनों में कहें तो मेयर के अनुसार यह गुस्सा नया नहीं है, क्योंकि मेयर के पद की दौड़ में पार्षद फर्मिला भी शामिल थी, और जब राजनीतिक उठापटक के बीच मौका नहीं मिला तो अब ऐसे प्रयास कर उनके काम में भी अड़चन पैदा की जा रही है। सही मायनों में देखें तो पार्टी के अंदरूनी गुटबंदी अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसमें पार्टी गुटबंदी खत्म करने में तो असफल दिखाई दे रही है, साथ ही लोगों के सामने ऐसे मामलों को होने से भी रोकने में नाकामयाब हो रही है। जब ये मेयर बने थे तब से ऐसा लग रहा था कि ये मेयरशिप इतनी आसानी से शहर में चलने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अक्सर ये आदत बन चुकी है कि जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलते, तो अपनी ही पार्टी की एक महिला पार्षद के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये उचित नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आपस में इतनी बुरी तरह लड़े हुए हैं कि शहर को आज स्मार्ट सिटी में 67 नंबर पर हम लोग आए हैं। ये सिर्फ इनकी लड़ाई की बदौलत है। अगर इनका काम विकास की तरफ ध्यान होता, अगर ये शहर की तरफ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते, तो शायद आज ये दिन चंडीगढ़ को ना देखना पड़ता कि स्मार्ट सिटी में हम इतना पीछे चले गए और स्वच्छता रैंक में हम लोग पीछे हैं। हम लोग हर जगह पीछे हैं, सिर्फ टैक्स और टैक्स लग रहे हैं। तो ये जो बिहेव
आपस में कम से कम जो पॉलिटिशियन होते हैं वो एक समाज का आईना होते हैं। पॉलिटिशियन जो है हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोग हमें देखते हैं हमारी तरफ, और अगर ऐसा बिहेव आपस में इनके पार्षद करेंगे तो ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। वहीं इन मामलों के बीच विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया है। भाजपा के हालात को देखते हुए विपक्षी दलों को जहां बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें अब प्रचार प्रसार के बीच भाजपा की गुटबंदी चर्चा का विषय बनती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।